गाजियाबाद के संजय भागीरथ सेवा संस्थान में गुरुवार को दिव्यांग बच्चों के लिए आयोजन किया गया, जहां उत्तर प्रदेश सरकार के समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण संस्थान में पहुंचे, जहां उन्होंने दिव्यांग बच्चों को किट बांटे और उनका साहस बढ़ाने का काम किया। आपको बता दें कि ये किट कोई साधारण किट नहीं है, बल्कि ये दिव्यांग बच्चों को शिक्षित और रोजमर्रा की जिंदगी के लिए बेहतर तरीके से तैयार करेगी और उनके जीवन को बेहतर बनाएगी। साथ ही उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य के रामचरितमानस वाले बयान पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि किसी को भी आहत नहीं करना चाहिए, जो हमारी धार्मिक और सामाजिक पुस्तकें हैं उनका सम्मान किया जाना चाहिए। अगर कोई असहमति दर्ज करता है तो उसका स्वागत है, क्योंकि यही हमारे धर्म की सुंदरता है। साथ ही उन्होंने आगे कहा कि जिस तरह रामचरितमानस पर पूरा बवाल हुआ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। समाजवादी नेताओं के जरिए जिस तरह राजनीतिक रंग दिया जा रहा है, ये बिल्कुल गलत है। समाजवादी नेताओं का जो ये खेल है, इसको जनता पूरी तरीके से समझ चुकी है। इनका ये खेल ज्यादा दिन नहीं चलने वाला। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि हम किस तरीके से सबको साथ लेके चलते हैं, जिसको समावेशी विकास भी कहा जाता है, और आसान शब्दों में मोदी जी ने बीज मंत्र दिया, सबका साथ सबका विकास। इसमें एक और गरीबों का कल्याण भी है, जो हमारे बहन भाई सामाजिक रूप से आर्थिक रूप से आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको समर्थन भी देना है। लेकिन साथ साथ ऐसे हमारे समाज में साथी, वो बच्चे हों चाहे बड़े हों, मूक बधिर हैं या किसी प्रकार की और कोई उनके अंदर दिव्यांगता है, उनको सपोर्ट करना एक स्वस्थ समाज का काम है। देखिए, किसी को भी आहत नहीं करना चाहिए, और जो भी हमारे धार्मिक सामाजिक ऐसे पुस्तकें हैं, उन सब का हम सम्मान करते हैं। उसमें से किसी पे कोई असहमत हो सकता है, और हमारे धर्म में ये बड़ी खूबसूरत बात है कि आप असहमत हो सकते हैं, सहमति व्यक्त भी कर सकते हैं, लेकिन किसी को कष्ट पहुंचाना ये बहुत बुरी बात है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए जनहित टाइम्स।